नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये है कि उनका मन नहीं टिकता है, बेचैनी रहती है, समय नहीं मिलता है, बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए पाठ नहीं हो पाता है, सुमिरन नहीं हो पाता है। मैं एक और तरीका बताने का प्रयास करूंगा आपको, ऑल्टरनेटिव विकल्प, ये करके देखें। आप जो भी काम करते हैं, दुकानदारी है, खेती है, मजदूरी है, जो भी काम आप करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, टाइल का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, जो भी आप काम, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, ये आपकी दुकान है, तो जो काम आप करते हैं वो काम पूरी ईमानदारी से करना शुरू करते हैं। वैसे तो सभी धर्मों में कहा गया है, सिखिज्म में जैसे कहा गया है कि आप किर्त करो, किर्त मतलब ईमानदारी की कमाई करो, वंड छको, बांट के खाओ, नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो। हिंदुज्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी यही कहा गया है। इस्लाम में खास तौर पे इसकी ताकीद की गई है कि अगर तुम हक हलाल की कमाई करके अपने बच्चे पालते हो, यानी ईमानदारी की कमाई से अपने बच्चे पालते हो, और उसमें से कोई भूखा नंगा जाता तो उसको भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ एक आध रोटी दे देते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे वो गुनाह भी माफ़ कर देगा जो हज करने से और पांच वक्त की नमाज पढ़ने से माफ नहीं किए जा सकते हैं। हक हलाल की कमाई, ईमानदारी की कमाई, ऐसा क्यों? पांच वक्त की नमाज, हज और एक तरफ ईमानदारी की कमाई, ऐसा क्यों? देने वाला वो मालिक है, रिजक देने वाला, अन्न देने वाला, हमें खाने पीने को देने वाला वो मालिक है, ईश्वर अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु है। लेकिन वो देता किसी न किसी धंधे के जरिए है। अब जैसे हमने किसी को कुछ देना हो, किसी मित्र को, किसी पड़ोसी को, या किसी भिखमंगे को कुछ देना हो, तो हम हाथ से देते हैं। कोई भी चीज हो, पैसे हो, खाना हो, जो भी, हाथ से देते हैं, और कोई तरीका नहीं है देने का। तो वो जो मालिक है, जो ईश्वर अल्लाह गॉड है, वाहेगुरु है, वो जब हमको देता है रिजक, तो किसी धंधे के जरिए देता है। यानी धंधा उस मौला के, उस ईश्वर के, उस मालिक के, उस वाहेगुरु गॉड के हाथ है। तो उस धंधे के जरिए, यानी अपने हाथों से, वो हमको रिजक देता है, पैसा देता है, रोजगार देता है, उसके जरिए हम अपना जीवन यापन करते हैं। अब अगर हम अपने धंधे के प्रति ईमानदार हो गए, समर्पित हो गए, तो किसके प्रति हम समर्पित हो गए? धंधे के प्रति। वो हाथ किसके हैं? ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के, मालिक के। तो हम मालिक के प्रति समर्पित हो गए, ईमानदार हो गए। जब उसके प्रति हम ईमानदार हो गए, समर्पित हो गए, तो फिर हमारा काम इबादत बन गया, प्रार्थना बन गया, पूजा बन गया, अरदास बन गया, प्रेयर बन गया। फिर जितना काम करना है करो, दिन रात करो, क्योंकि आप तो हर वक्त प्रेयर में हो आप तो हर वक्त इबादत में हो, पूजा में हो, अरदास में हो। फिर अगर तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ना भी जा सको, तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम तो हर वक्त प्रेयर कर रहे हो। हाँ, इसमें अगर सोने पे सुहागा करना है, चार चांद लगाने हैं, तो दुकान पे बैठ के जब ग्राहक का इंतजार करते हो, तमन्न वाहिगुरु, वाहिगुरु, हरिओम, तत्सत, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट कहते रहना, तो जो समय जा रहा है वो सांसें भी सार्थक हो जाएंगी और वो समय भी सार्थक हो जाएगा, और जो कमाई है उसमें बरकत भी आ जाएगी, चार चांद लग जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी आपने वो कमाई भी साथ साथ करनी शुरू कर दी जो अल्टीमेट है, जो वहां की राहदारी है। यहां आपने ईमानदारी से काम किया, समर्पित होकर काम किया, अपने काम को पूजा बना लिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है, उनका मन भाग जाता है, वो इतनी देर बैठ नहीं पाते हैं, विचार आने लगते हैं, विचलित रहते हैं, उलझे रहते हैं, परेशानियां है, घर में क्लेश रहता है, तो ऐसा कर लें, सच बोलें। देखिए, सोने पे सुहागा, तो इसमें और उसको इम्प्रूव करने के तरीके कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बेईमानी, हमारे मन को सब पता होता है, मैं इसमें कितना कमीशन खा रहा हूं, कितने परसेंट ले रहा हूं, कितना मेरा हक बनता है, मैं कहां नमक हरामी कर रहा हूं, कहां बेईमानी कर रहा हूं, ये लून हरामी नमक सब, ये जो हमारा दिल है, मन है, ये सब जानता है। कहो नानक, हम लून हरामी, हम नमक हराम लोग हैं।
तो उसको सब पता होता है, कहीं जाने की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पूरी ईमानदारी से, समर्पण से अपने रोजगार को, अपने धंधे को चलाएं, काम करें, बेईमानी न करें, सच बोलें, झूठ न बोलें, किसी का हक न मारें, बेईमानी न करें, और मन में उस मालिक की याद, उसका नाम जपते रहें बस। फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं भी जा पाओगे तो कोई बात नहीं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, सवेरे उठ के जाते हैं, वहाँ सेवा भी करते हैं, लेकिन आके फिर घटतौली करते हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं अपने धंधे में, वो सब व्यर्थ हो गया, वो सब निरर्थक हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब खुराफातें करके, चुगली, निंदा, बेईमानी, नशाखोरी, शराब, गोश्त, मिलावट, बेईमानी, धोखाधड़ी, जो भी हम करते हैं घटतौली करके, हमने अपनी वो जो आत्मा की मटकी में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके जो अच्छे कर्म, संचित कर्म उसके अंदर डाले थे, जमा किए थे, ऐसे कुकर्म करके हमने वो सुराख कर दिए उसमें मटकी में, वो टिकेगा नहीं, सब निकल जाएगा अंत में, खाली के खाली, नरक के भागी, सजा के हकदार। तो अभी आपके पास विकल्प है, जो लोग बार बार ये कहते रहते हैं, हमको लिखते रहते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ऐसे ईश्वर ने मुझे सुझाया तो मुझे लगा मैं ये बात करूं, अगर कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई है अपने काम में। देखिए हम लोग बेईमानी किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मैं अक्सर ये जिक्र करता हूं कि एक डाकू से जब संतों ने ये पूछा कि तुम ये अपराध कर रहे हो, मैं लूटने का पाप कर रहे हो, तो किसके लिए? परिवार के लिए। हाँ, परिवार के लिए, तो ये पाप की सजा तुमको मिलेगी, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ बंटवाएंगे। तो उसने कहा कि साथियों को पकड़ के रखना, मैं पूछ के आता हूँ। तो पूछ के गया पूछने, परिवार वालों ने कहा अरे भाई पाप तुम करते हो, मार काट तुम करते हो, तो तुम सजा काटना, उसकी भोगना, हम क्यों भोगे, हम क्यों बंटवाएं? तो वो संत हो गए, वहां संत हो गए। हमारी ये बात समझ में नहीं आती है। हम दुकान में बैठ के, बाजार में बैठ के, कहीं भी जाके हम लगातार दिन रात अपने परिवार के लिए झूठ बोलते हैं, बेईमानियां करते हैं, धोखाधड़ियां करते हैं। और अक्सर महापुरुषों का फरमान है कि माँ बाप का किया हुआ औलाद को भुगतना पड़ता है, तो औलाद को भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा, यहाँ भी भुगतना पड़ेगा, वहाँ भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? कम होगा, ईमानदारी की कमाई कम ही होती है। पापा बाजो होवे नाही मोया साथ न जाई, ये बड़ी दौलत पाप के बिना इकट्ठी नहीं होती है, और मरने के बाद ये साथ में नहीं जाती है, सजा मिलती है, वहां दोजख में जाना पड़ता, नरक में जाना पड़ता, तो फिर क्यों करना भाई ऐसा काम? तो आज से प्रयास कीजिएगा, ईमानदारी से अपना कारोबार करिए, समर्पित भाव से, झूठ फरेब, मिलावट, बेईमानी, घटतौली से बचिएगा, ईश्वर का नाम मन में दोहराते रहिएगा जितनी देर बैठे हैं दुकान पे, आप देखिएगा कैसी बरकत आएगी, कैसी कृपा आएगी, आप हैरान होते चले जाएंगे। वो इतना कुछ दे जाएगी आपको कि सारा जीवन खत्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और जिन मित्रों की बात पकड़ में आई और अगर इसका अनुसरण करेंगे, प्रयास करेंगे, मैं उस ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूँ, मैं सदैव के लिए उनका ऋणी रहूँगा, मेरा रोम रोम उनका ऋणी रहेगा। इस संसार में भी, किसी और संसार में हुआ तब भी, मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा तब भी, मैं आप सबका ऋणी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा, क्योंकि उद्धार आपका होगा, भला आपका होगा, आपके कुल का होगा, और मेरे जैसे निर्गुण को वहाँ पुण्य मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।